आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट सर्जिकल जो पेशेंट हैं जिनको फेफड़े का कैंसर है, उनको सांस की भी बीमारी है, वो स्मोकर भी हैं, उनकी लाइफ स्टाइल फ़र्क है। क्या सर्जरी के बाद में एक प्रश्न होता है, क्या वही लाइफ स्टाइल वो लीड कर सकते हैं, क्या ज़िंदगी सामान्य हो सकती है, और हमें क्या प्रिकॉशन रखना है सर्जरी के बाद में कि कोई कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी हाँ, ज़्यादातर लंग कैंसर स्मोकर्स में होता है, उसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनको COPD है, सांस की दिक्कत है, उसमें सर्जरी थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसा नहीं है। सर्जरी के बाद में फेफड़े के लिए उनकी केयर, एक प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। केवल फेफड़े की सर्जरी के बाद में ये नहीं कि वो पेशेंट डिसेबल हो गया है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो बिस्तर पे ही लेटा रहेगा, घर के बाहर नहीं निकल सकता है, ऐसा कतई नहीं है। धीरे धीरे करके जो डॉक्टर बताएंगे, रिहैब करना, उसकी एक्सरसाइज करना, फेफड़े की एक्सरसाइज करना, चीज़ें कुछ छोड़नी पड़ती हैं, जैसे कि स्मोकिंग अगर कर रहा है तो छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग वैसे भी हार्मफुल है, उसकी वजह से कैंसर हो रहा है, तो सर्जरी के बाद स्मोकिंग क्यों? अक्सर लोग कहते हैं कि अब तो सर्जरी हो गई है, हमारा कैंसर का पोर्शन रिमूव हो गया है, अब हम स्मोकिंग कर सकते हैं। जी नहीं, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। और स्मोकिंग ही क्या, कोई भी टोबैको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, पौष्टिक आहार, प्रॉपर चीज़ें खानी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, फेफड़े की एक्सरसाइज के साथ में ही जरूरी कि हाथ पैर की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक रिहैब सेंटर ज्वाइन करके एक पेशेंट के प्रॉपरली उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, उचित व्यायाम, योगा वगैरह करना चाहिए। और कैंसर की सर्जरी के बाद डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन, जैसे हमने बताया, खाने पीने में वो जंक फूड नहीं खाना, प्रिजर्वेटिव की चीज़ें नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना, उसके साथ में ज़रूरी है कि प्रॉपर व्यायाम या कुछ करते रह जाना जिससे कि फेफड़े को, आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखा जा सके। कुछ चीज़ें जो कि विशेष हम लोगों को देखने की ज़रूरत होती है सर्जरी के बाद में, या जो स्मोकर्स होते हैं COPD के पेशेंट में, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के लिए बहुत ज़्यादा डर होता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम लोग वैक्सीनेट करते हैं, हर साल निमोकोकल वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की ज़रूरत होती है, उसको लगाना चाहिए जिससे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे लोगों को कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन से ये पेशेंट प्रोन होते हैं, वहाँ मास्क लगा के जाएँ, भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करें, बंद कमरे में बहुत समय तक नहीं रहें, कोई आदमी स्मोक कर रहा हो तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी अवॉइड करने की ज़रूरत है, वेंटिलेटेड पोर्शन में रहें। उसके अलावा हम लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन और लोगों से कोई इन्फेक्शन ना हो, वैक्सीनेशन, अवॉइडेंस और प्रॉपर लाइफ स्टाइल को मैनेज करना चाहिए। पोस्ट सर्जिकल कुछ फॉलोअप की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि हमारी सर्जरी हो गई तो हमें डॉक्टर के पास फॉलोअप ना करें। डॉक्टर्स जब आपको बुलाए, जो स्पेशलिस्ट आपको, कैंसर स्पेशलिस्ट या सर्जन या जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, आपको कुछ जांच के लिए बुलाता है, उसको देखना चाहिए, उस जांच को करवाना चाहिए। हर साल एक हम लोगों को CT करवा के देखना होता है कि वो कैंसर जिसको रिमूव करा जा चुका है, उसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो चुकी है, उसको क्या हम लोगों को फिर से दोबारा रिकर तो नहीं करा, स्प्रेड तो नहीं करा, तो लो रेडिएशन आजकल CT हो गए हैं जो कि हर साल में एक बार कराना चाहिए। लंग फंक्शन टेस्ट, कंप्यूटर के द्वारा फेफड़े की जांच, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। बीच में अगर ज़रूरत पड़े, अगर उसको अगर उसको सांस की परेशानी है, COPD है, तो एक ABG आर्टेरियल ब्लड गैस करके देखना चाहिए, क्या उसकी ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ तो नहीं गए हो रही है, क्या उसको और कोई कॉम्प्लिकेशंस, एक्सरे करा करके बीच में देखते रहना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो नहीं रहा है। अगर उसको खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रही है, बलगम पीला आ रहा है, जल्दी जल्दी बुखार हो रहा है, तो देखना चाहिए कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो गई है, कोई वायरल इन्फेक्शन जो कि आजकल बहुत बढ़ा हुआ है, ये पेशेंट पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट कैंसर या उनको कोई कीमोथेरेपी चल रही है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, ये प्रोन होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के लिए, उसको प्रिकॉशन
दर्शन रखें, डॉक्टर से संपर्क करें, और जो कि पिछली एपिसोड में हमने बताया, एक्सरसाइज करना, क्या चीज़ खाना है क्या नहीं खाना है, वैक्सीनेट करना, इसको विशेष एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्जरी से घबराएं नहीं, इन्वेस्टिगेशन से घबराएं नहीं, कैंसर के नाम से घबराएं नहीं। उसका अगर हम उचित समय इलाज कर लें, उसको समय पर डायग्नोस कर लें, तो इसका निदान संभव है और उसके नॉर्मल लाइफ पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट कीमोथेरेपी, पोस्ट रेडिएशन हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं।